लॉकडाउन के कारण मजदूरों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर माकपा के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूर संघ ने सीएजी सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जाहिर किया। माकपा नेता ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में पहले ही आमजन परेशान है, ऊपर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दी, जिसका आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और इसीलिए संभागीय आयुक्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे आम जनता की मजबूरी है कि आज लॉकडाउन में आंदोलन करना पड़ा है। उसका कारण यह है कि इस समय पर सरकार को राहत देना चाहिए, जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्ग जनता को राहत देने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर लगातार पिछले 18-19 दिन से हर दिन पैसा बढ़ा करके ऐतिहासिक रूप से जो है जनता को लूटने का काम किया है, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात है, राज्य सरकार को जो है उसको भी जो है बिजली के बिल माफ़ करने की बात हमने अनुरोध किया था पिछली बार, लेकिन ये सरकार उस पर काम करने के बजाय इन्होंने भी वेट बढ़ा करके ये अपना खजाना भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को राहत देने का काम नहीं कर रहे। किसान की कोई नहीं सुन रहा है। अध्यादेश 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, किसान बर्बाद हो जाएगा। मंडी कानून, मजदूर श्रम विरोधी कानून इन्होंने बना लिए हैं। कोटा में भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ की ओर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर अपना रोष जताया गया। भाजपा नेता प्रकाश चंद्र जैन ने बताया कि भारत चीन के बीच हुए समझौते के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देश के 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी और ऐसे में आज चीन की कायराना हरकतों का विरोध किया जा रहा है। साथ ही देश की जनता से आह्वान किया गया है कि चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाए। जून 2020 को भारतीय जनता पार्टी उद्योग प्रकोष्ठ द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 6 पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मुर्दे का दहन किया गया, क्योंकि चीन भारत की और चीन की जो समझौता हुआ है उसके अनुरूप नहीं चल रहा और भारतीय सीमा में बराबर घुसपैठ कर रहा है। ये कतई उचित नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि चीन अपनी औकात में रहे। अब खबर अजमेर के विजयनगर से है, जहां इंदिरा कॉलोनी में 60 फीट रोड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इसे लेकर भाजपा पार्षद दल के नेता जगदीश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ये बताया गया कि इंदिरा कॉलोनी के लेआउट प्लान में अतिक्रमण स्थल रिजर्व लैंड भूमि है और इसकी बाजार कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। इस पर भूमाफियाओं की ओर से चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। ज्ञापन सौंप कर ये मांग की गई है कि जांच टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर टोंक के देवली से है, जहां चोरों ने पटेल नगर के सूने मकान से लाखों रुपए के आभूषण और करीब 60,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिए। वारदात के वक्त पूरा परिवार देवली गया हुआ था और ऐसे में चोरों ने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक लड्डूराम ने बताया कि चोरों ने सोने के आभूषण और नकदी चोरी की है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर के बीज बायला में एक कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने कार सवार महिला और साथ ही उसके दो बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला और उसकी बच्ची की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।